छोटा था तो मुझे टॉर्च की फैसिनेशन थी, टॉर्च होती है ना लाइट, तो मेरे को टॉर्चेस की बड़ी फैसिनेशन थी और स्केट्स की बहुत फैसिनेशन थी। तो मेरे फादर पता नहीं कहाँ से लेकर आए एक स्केट्स जिसमें लाइट जलती थी, तो टॉर्च और स्केट्स दोनों एक ही में आ गए। सो दैट गिफ्ट आई स्टिल रिमेंबर। आई थिंक पहले तो ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, और बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम हियर विद यू। आई थिंक हमारी ऑडियंस है सेंटा हमारी, क्योंकि हमारी ऑडियंस ही फाइनली हमें वो देती है जिसकी हम लोग बॉलीवुड में सब लोग मेहनत करते हैं जिसके लिए। बॉलीवुड में मैं सबको ही सेंटा बन के गिफ्ट देना चाहूँगा, चाहे कोई भी वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, डायरेक्टर को तो स्पेशली अभी, तो प्रोड्यूसर्स को भी और सबको, बिल्कुल सारे क्या कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट, स्पॉट बॉय, सबको। इस साल अभी मांगी नहीं है एक्चुअली, अभी तो मैंने घर जाके मांगी है। हाँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग क्रिसमस न्यू ईयर विद माई फैमिली। तो आज हम लोगों की क्रिसमस पार्टी थी, दिल्ली में थी, बट आई फ्लो डाउन ओवर हियर टुडे फॉर दिस एंड आई वांटेड टू बी विद द किड्स। मैं पहले से देखो पा बोला था कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ, नहीं आ रही, बहुत वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये कन्फेस करना चाहूँगा कि मैं आज यहाँ पे हूँ ओनली बिकॉज ऑफ एवरीबडीज लव रियली, एंड आई फील दैट लव एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मेरे को इतना प्यार मिला है और आज स्पेशली इतना प्यार मिला है। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। पता नहीं कई बार ऐसा एक होता है कि फॉरवर्ड पिक्चर आगे जाने के बाद भी पिक्चर अच्छी चलती है, मुझे लगता है कि अगर पिक्चर अच्छी है तो लोगों को वैसे ही अच्छी लगेगी, तो उसमें रिलीज डेट अभी हो या एक महीने बाद हो, बल्कि इन वे अच्छा हो गया मेरे ख्याल से कि हमें थोड़ा और टाइम मिल गया, गानों को थोड़ा पिकअप करने के लिए टाइम मिल गया, क्योंकि मुझे लगा था कि म्यूजिक रिलीज के बाद जो हमारी जो रिलीज डेट थी उसके बीच में वक्त वैसे भी बहुत कम था, हमें ज़्यादा वक्त मिला नहीं पब्लिसिटी करने का, तो अब हमें थोड़ा वक्त और मिला। तो स्वीट्स के बारे में मैंने एक बहुत सीरियस सोचा है, बिकॉज आई हैव गॉट अ मेजर स्वीट टूथ एंड बीइंग अ पंजाबी मॉम कई बार पराठे खिलाती है और उसके बाद अगर स्वीट्स डाल लो तो फिर तो One horse open.